नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नीरव हिंगो शो। और आज ये मेरा 65वां एपिसोड है और आज मैं बात करूंगा ऊपर छाया चंद्र ग्रह के बारे में, क्योंकि आज है 5 जून 2020 और आज की रात को ऊपर छाया चंद्र ग्रहण लगने वाला है, जो बहुत ही श्रेष्ठतम चंद्र ग्रहण है इन पूरे साल के अंदर में। कारण ये है क्योंकि इस चंद्र ग्रहण से बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है आने वाले 3 महीनों के अंदर में। अभी ये जस्ट कोरोना पीरियड चल रहा है, तो चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण जब भी आता है, इट इज़ अ इवेंट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसीलिए मैंने सोचा कि जब ये एक बहुत बड़ा इवेंट आ रहा है तो उससे ज़रूर ट्रांसफॉर्मेशन होगा आने वाले 3 महीनों में। चलो, ट्रांसफॉर्मेशन क्या आएगा कोरोना को लेकर या इंडिया की इकोनॉमी को लेकर, उस पर हम बाद में चर्चा करते। पहले बात कर ले है ग्रहण की, चंद्र ग्रहण के ऊपर छाया चंद्र ग्रहण। आज रात 5 जून 2020 को शुरू होने वाला, रात को पहली बार कितने बजे चंद्र ग्रहण है। ये चंद्र ग्रहण लगने वाला है 5 जून को रात को 11:16 से ये आरंभ होगा और 6 जून यानी रात को ही अगला दिन जब शुरू हो जाता है, तो 6 जून शनिवार को 2:34 पर इसकी समाप्तिकरण होगा। और कहते हैं कि 12:54 यानी 12:54 इस पर यह चंद्र ग्रहण का सबसे ज़्यादा प्रभाव रहेगा। तो ये ग्रहण काफ़ी ही महत्वपूर्ण है और इस ग्रहण की महत्व बहुत है, उस पर भी मैं बात करूँगा इस एपिसोड के अंत में। अब बात करता हूँ दूसरे पड़ाव पर, यानी कि उपछाया चंद्र ग्रहण क्या होता है या इसका मतलब क्या है। बहुत सिंपल है, उपछाया चंद्र ग्रहण में जब पृथ्वी की जो छाया रहती है उस छाया वाले क्षेत्र में जब चंद्रमा आ जाता है और चंद्रमा पर पड़ने वाली सूर्य की जो रोशनी है वो बहुत कम पड़ती है, बस इसे ही उपछाया चंद्र ग्रहण कहता है, जो बहुत ही सरल है। अब तीसरा प्रश्न ये भी आना चाहिए या तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि यह उपछाया चंद्र ग्रहण कहाँ कहाँ दिखेगा पूरे पृथ्वी पर। यह दिखेगा भारत में, पूरे भारत में, और भारत के अलावा, भारत समेत ये चंद्र ग्रहण आपको दिखेगा एशिया में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में और अफ्रीका में पूर्ण रूप से दिखा दिया जाएगा। और अंत में बात करते हैं ज्योतिष के दृष्टिकोण से कि इस चंद्र ग्रहण के अंतर्गत कौन सी राशि वालों पर सबसे ज़्यादा प्रभाव रहेगा। तो ज्योतिष शास्त्र कहता है कि यह चंद्र ग्रहण वृश्चिक राशि में सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा और इसीलिए वृश्चिक राशि वालों को बहुत सतर्क और रहना चाहिए। पर मैं नहीं मानता कि ईश्वरीय इस पवित्र इवेंट का किसी के ऊपर अच्छा या बुरा नहीं होता, क्योंकि सूर्य जब अपनी रोशनी देता है तो सबको समान रूप से ही देता है। तो मैं नहीं मानता ज्योतिष शास्त्र के इस सिद्धांत को कि इस राशि वाले को अच्छा रहेगा, उस राशि वाले को बुरा रहेगा, पर मैं मानता हूँ सबके लिए समान रूप से रहता है ग्रहण। अब बात करता हूँ ग्रहण का महत्व क्या है। जैसे मैंने पहले भी ग्रहण पर एक एपिसोड बनाया था अपने पॉडकास्ट में, उसमें मैंने स्पष्ट रूप से बताया था ग्रहण बहुत ही पवित्र और शुभ पर्व रहता है। अधिकतर ज्योतिष जो ढोंगी पाथंगी, आज के 90-95% जो एस्ट्रोलॉजर वो ढोंगी पाखंडी हैं, पातकाई है, जिनको ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी का सही नॉलेज है। अधिकतर लोग सर्टिफिकेट कोर्स करके अपने आप को श्रेष्ठतम ज्योतिष रूप में प्रतिष्ठापित करना चाहते हैं, पर ज्ञान की बात होती है तो वैदिक ज्योतिष और वैदिक कर्मकांड यह कहते हैं कि यह जो ग्रहण है, चाहे सूर्य ग्रहण या चंद्रमा ग्रहण हो, वो ज्योतिष की दृष्टि से और आध्यात्मिक की दृष्टि से श्रेष्ठ माना जाता है। कहते हैं कि जब हम ग्रहण काल में एक माला मंत्र जब करते हैं तो वो 10 गुना उसका फल गिना जाता है। यदि आप उस समय उपवास करते हो, फास्टिंग करते हो, तो भी उसका सही फल मिलता है। और दूसरी बात है ग्रहण में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ग्रहण में आपको उपवास रखना चाहिए, पानी नहीं पीना चाहिए जब तक ये ग्रहण काल समाप्त ना हो जाए, ठीक है। ग्रहण काल में हो सके तो सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए, द कपल शुड नॉट गो इन टू द कॉपुलेशन। ग्रहण काल में खाना पीना पूर्ण रूप से वर्जित है, इसलिए फास्टिंग का विधान बताया। ग्रहण काल में सिनेमा, गाना, ये सारी चीज़ें, एंटरटेनमेंट आपको वर्जित है, यानी उसको अवॉइड करना चाहिए। ग्रहण काल में यदि संभव हो सके तो मेडिटेशन और स्पिरिचुअल एक्टिविटी करनी चाहिए, यानी ईश्वरी मंत्र चिंतन, स्तोत्र पाठ, ये सब करना चाहिए, पॉजिटिव एफर्मेशन बोलनी चाहिए, या आपको कुछ भी ना आता तो शांति से बैठे रहिए, ठीक है। लेकिन ग्रहण काल में सोना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये शास्त्र कहते हैं ग्रहण काल में सोना ठीक नहीं है, जो कि स्वामी विवेकानंद कहते थे कि ग्रहण काल में सोने
से कोई मतलब नहीं है, तो उन्होंने उस पर एक बार एक्सपेरिमेंट किया था और वो सो गए थे जानबूझ के, बोला मुझे तो कुछ हुआ नहीं है, जो कि मैं मानता हूँ कि वो आत्मा साक्षात्कारी सिद्ध पुरुष थे, इसलिए शायद उनको उस बात का कोई चिंतन विशेष रूप से पड़ा नहीं उनके शरीर या मन के ऊपर। लेकिन मेरी अपनी मान्यता, ग्रहण काल के अंदर आपको मेडिटेशन और ईश्वरीय स्मरण चिंतन करने से शुद्धता बहुत होती है और आपकी स्पिरिचुअल अपब्रिंगिंग बहुत ज़्यादा होने लगती है, इसीलिए ये ग्रहण काल बहुत ज़रूरी है। अब बात आती है ये ग्रहण काल से क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है आने वाले समय में, क्योंकि जैसे मैंने बहुत से लोगों को इस बार बताया था, लोगों ने मुझे फ़ोन भी किया था, व्हाट्सएप पर भी पूछा था कि नीरव भाई ये कोरोना कब ख़त्म होगा, इंडिया से कब जाएगा या वर्ल्ड लेवल से कब जाएगा। अब आपको ये देखना है कि ग्रहण जब भी आता है, नो मैटर वो सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, जब भी सूर्य या चंद्र ग्रहण आता है उसके 3 महीने पहले और उसके 3 महीने बाद कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन उस क्षेत्र में जहाँ ये ग्रहण का ज़्यादा प्रकोप रहता है वहाँ पर उसका प्रकोप सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। जैसे इस बार चंद्र ग्रहण जो है वो जो आज लगने वाला, आज रात्रि को 5 जून को, वो सबसे ज़्यादा प्रभाव भारत में रहेगा, तो इसलिए हमने भारत में भी उसका प्रभाव देखा, जो कि अमेरिका और वुहान चीन में भी उसका असर तो है ही, लेकिन भारत में भी ग्रहण का असर है, इसलिए भारत में भी उसका असर 3 महीने पहले मार्च में, इट इज़ द जून, मार्च अप्रैल एंड जून, 3 महीने हमने कोरोना का असर देखा, द लॉकडाउन एंड वी हैव सीन द रिसेशन टाइप ऑफ सिचुएशन हैज़ बिन अराइव इन द इंडिया एंड द इकोनॉमी हैज़ बिन स्लोअर डाउन, धंधे सबके ख़त्म हो चुके हैं। कारण है ग्रहण अपने आप में जो भी लाता है ट्रांसफॉर्मेशन लाता है, लेकिन अच्छे के लिए आता है, ग्रहण मतलब ख़राब नहीं है, मैं उसको कभी ख़राब नहीं बोलूँगा, और इसीलिए 3 महीने पहले अगर उसका ये प्रभाव है तो आने वाले 3 महीने के बाद, ग्रहण के बाद का पोस्ट एक्लिप्स उसका बहुत अच्छा दिखाई देगा, यानी अच्छा असर दिखाई देगा। कहने का मतलब है कि अभी ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया का शुरू हो जाएगा और इसका पूर्ण रूप से कोरोना का असर कब जाएगा, सितंबर के बाद, क्योंकि आज है 5 जून, तो 5 जून को 3 महीने पर 90 डेज गिना जाए तो तकरीबन जुलाई अगस्त सितंबर, तो आफ्टर 5th of September दे विल सी अ स्लोली अ ट्रांसफॉर्मेशन एंड दे विल बी अ बिग बूस्टिंग इन टू द इकोनॉमी ऑफ द इंडिया एज अ नेशन। तो आप देखोगे भारतवर्ष में 5 सितंबर के बाद 101% आपको उसकी असर दिखाई देगी, बहुत सारी इकोनॉमी जो गिर रही है अलग अलग क्षेत्रों में वो बूस्टअप होने लगे, एंड इंडिया विल बिकम अ सुपर पावर इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स, दिस इज द गारंटी। और 5 सितंबर के बाद असर बहुत ज़बरदस्त दिखेगा इंडिया के अंदर में, यानी पॉजिटिव लेवल पे। आपके ऊपर आप चीज़ों को कैसे देखते हैं, मैं तो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखता हूँ इस इवेंट को देखकर। तो ये बात रही चंद्र ग्रहण के बारे में, आशा रखता हूँ आपको अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ होगा, शेयर कीजिएगा और लोगों को बताइएगा, ग्रहण काल है तो ग्रहण काल में सोए नहीं, मेडिटेशन चैंटिंग करते रहे, वो भी ना पॉसिबल तो प्रेयर करें भले 10 मिनट के लिए हो, ठीक है, वो भी ना कर सके अपने श्वास के ऊपर ध्यान दीजिए, श्वासोश्वास के ऊपर ध्यान देना है, मतलब सांस अंदर जा रही है सांस बाहर आ रही है, ये भी ना करते हैं तो सांस जब अंदर जा रही है तब सो शब्द का उच्चारण करें मनी मन, और सांस जब आप ऑटोमेटिकली बाहर फेंके, व्हेन यू डू द एक्सहेलेशन यू हैव टू चांट हम सो हम, ठीक है, तो ये बहुत ही सरल क्रिया है ध्यान की, ये भी आप कर सकते हो, और आशा रखता हूँ आप सबका पूरा वर्ष 2020 अच्छा जाए, सेहतपूर्ण के साथ आप सब अच्छा जीवन व्यतीत करें। इसी के साथ ये एपिसोड मैं समाप्त करता हूँ, धन्यवाद।